यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा की आवश्यक बैठक डाल्टन की परिसदन भवन में हुई, जहां शिक्षा, पिछड़ेपन, बेकारी सहित अन्य समस्याओं से जूझ रही समाज को एक नई दिशा देने पर बल दिया गया। बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दुबे, प्रधान महासचिव चंद्रकांत त्यागी सहित मोर्चा के जिला स्तरीय पदाधिकारी और सदस्य दर्जनों की संख्या में उपस्थित रहे। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुबे ने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा, हर व्यक्ति यदि अपनी बुराइयों को त्यागने का संकल्प ले ले तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर कार्य कर रहे हैं और सरकार द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं में गरीबों, वंचितों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर ही समाज और राष्ट्र का भला हो सकता है। उन्होंने सरकार का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए मोर्चा कटिबद्ध है और इसे लेकर नागरिकों में देशव्यापी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। हमारा मानना है कि जन भागीदारी और जन सहयोग के बगैर सरकार का स्वरूप नहीं बदल सकता, तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे जन भागीदारी बढ़ाई जाए जिसका सरोकार जन सरोकार हो और जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, जिसके सपने हैं, उसके उड़ान है, वो सरकार की योजनाओं की जानकारी उस तक पहुंचे और वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो। अगर हम मिलके कोई भी व्यवस्था बदलना चाहते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक मानसिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन पूरे देश में छेड़ रखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी बेहतर काम कर रहे हैं, तो हम नौजवान भी सरकार के साथ जन भागीदारी कर बेहतर काम कर सकते हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और बेहतर काम करने की सीख लेनी चाहिए और बेहतर काम करने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश हो जब हम खुद चाहेंगे कि हमें गरीब नहीं रहना है तभी दुनिया की कोई ताकत हमें गरीब बना के नहीं रह सकती। तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी है, युवाओं को अपने अधिकार के लिए आगे आना होगा और सरकार उनको अधिकार देने के लिए कृत संकल्प है, तैयार है, तो इसलिए जन भागीदारी अपनी बढ़ाएं और ऊर्जावान भारत तभी बनेगा, प्रधानमंत्री जी के सपनों का तभी भारत बनेगा जब हम सब लोग एक बेहतर सहयोग से सरकार का सहयोग करें और अपनी भूमिका सरकार में तलाशें, ताकि हम अगर गरीब हैं, हम अगर पिछड़े हैं, हमें शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, तो कैसे हमें बेहतर शिक्षा मिलेगी, कैसे हमारा पिछड़ापन दूर होगा। सभी जन मुद्रा योजना, सभी तरह की योजनाएं चल रही हैं, तो सरकार सब तरह की योजना लेके आई है, लेकिन युवाओं को, छात्रों को और वो बेरोजगार लोगों को, किसानों को ये समझना होगा कि वो जागरूक होंगे, जानना चाहेंगे तो निकल के आएंगे, जब सोचेंगे कि मुझे खुद जानना है, मुझे खुद बेहतर किसान बनना है, मुझे खुद बेहतर इंसान बनना है, मुझे खुद सफाई रखनी है, तो हर व्यक्ति अगर खुद को थोड़ा थोड़ा बदल लेगा तो ये देश बदल जाएगा और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विश्वगुरु भारत को बनाने का, उसमें हम सबकी भूमिका होगी।